भोपाल में फर्जी गैस पीड़ितों और फर्जी गैस पीड़ित संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने मंत्री आरिफ अकील को ज्ञापन सौंपकर ऐसे संगठन और लोगों की जांच करने की मांग की है। भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शमशुल हसन बल्ली ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के निवास पर पहुंचकर फर्जी गैस पीड़ित संगठनों की जांच कर उन्हें सजा देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही कई फर्जी संगठन भोपाल में सक्रिय हैं और अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, जिसकी जांच करवा कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। गैस रात मंत्री जी हमारे शहर के, उनको हमने ज्ञापन दिया था कि गैस पीड़ित जो संगठन है, बाहरी संगठन है, ये बाहर से आए हुए संगठन है, ना तो इनको गैस लगी ना गैस पीड़ित से कोई वास्ता, सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है। पिछले 35 सालों में सिवा अब्दुल जब्बार साहब के किसी ने भोपाल में कोई काम नहीं किया, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, घर परिवार की स्थिति क्या है। आज ये करोड़ों पति बने बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से हमने बात की और ज्ञापन दिया है कि आप हम इसकी CID जांच की जाना चाहिए और जो जहाँ से आया उसको वापस वहाँ भेजना। बिल्कुल, श्रद्धांजलि सभा रखी है, मशाल जुलूस रखा है 2 तारीख को, 3 को हमने सर्वधर्म सभा रखी है इतवार में, जो अब्दुल जब्बार साहब के जो ख्वाब थे, जो गैस पीड़ितों की लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। सरकार से फंड नहीं लेते, बल्कि ये फॉरन से विदेशों चंदा लाते हैं, उसके संबंध में है, निश्चित ही उसकी जाँच कराना आवश्यक है। उसके लिए POW को लिखेंगे, उसकी जाँच करें। ज्ञापन तो अभी दिया है यार, बयान मेरा पहले आया था, ज्ञापन के संबंध में पूछ रहा हो या मेरे बयान के संबंध में पूछ रहा हो? तो उन्होंने कहा है तो मैं दिखवाऊंगा, ये मैं जांच मेरे अख्तियार की नहीं है, ये जांच कोई मध्य प्रदेश सरकार की जांच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार जांच कर ले, या EW की जाँच होगी, केंद्र सरकार की मदद से होगी। विदेशों से जो पैसे आते हैं उसके मेरे पास कोई एजेंसी नहीं पकड़ने की जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक पकड़ नहीं पाऊंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।